आइए जानते हैं कि किन किन लक्षणों से सोयाबीन की मिश्रित किस्म को पहचाना जा सकता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि सोयाबीन की किस्मों में दो तरह के फूल आते हैं, सफ़ेद या बैंगनी। फूल के रंग के आधार पर रोगिंग करना बहुत ही आसान होता है और अलग रंग वाले फूल के पौधे को निकाल कर उन्हें उखाड़ फेंक कर आप अपने बीज उत्पादन क्षेत्र की बीज की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। दूसरा लक्षण है सोयाबीन की आकृति। सोयाबीन में मुख्यतः तीन आकृति की पत्तियां मिलती हैं, लैंसाकार जिसे लैंसुलेट कहा जाता है, नुकीली अंडाकार जिसे पॉइंटेड ओवेट कहा जाता है और गोल अंडाकार जिसे राउंड ओवेट कहा जाता है। यदि आपके खेत में सभी पौधों के फूल एक ही रंग के हैं पर कुछ पौधों में पत्तियों की आकृति भिन्न है, जैसे यदि आपने JS9560 की किस्म लगाई है तो उसकी पत्तियां लैंसाकार होती है, किंतु खेत में कुछ पौधों की पत्ती नुकीली अंडाकार वाली भी दिख रही है, तो ऐसे में आपको नुकीली अंडाकार वाली पत्ती के पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है सोयाबीन की फली में रोएं का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना। सोयाबीन की किस्मों में रोएं दो तरह के मिलते हैं, एक धूसर रंग या ग्रे कलर कहा जाता है और दूसरा ब्राउन या भूरा। कुछ किस्म में ये रोएं नहीं पाए जाते, जैसे JS2034, JS335 आदि। वहीं JS2069 में रोएं पाए जाते हैं और उनका रंग भूरा होता है। किस्म NRC7 में धूसर रंग के रोएं पाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग किस्मों में कभी रोएं पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते। आपने जिस किस्म की बुआई की है उसमें यदि रोएं हैं और जिस कलर के हैं उसके अलावा अगर कोई और दूसरे रंग के रोएं वाले पौधे मिल रहे हैं तो उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए।